आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर चलाया बुलडोजर, मोदी और शाह के उड़े होश। यहां आपको पता चले कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में भाजपा शासित नगर निकाय के अतिक्रमण रोधी अभियानों के खिलाफ बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि भगवा पार्टी ने नेता लोगों को उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की धमकी देकर जबरन वसूली कर रहे। दुर्गेश पाठक के नेतृत्व में आपके विभिन्न नेता और कार्यकर्ताओं ने यहां पार्टी मुख्यालय के निकट विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा शासित नगर निकाय के अतिक्रमण रोधी अभियान के खिलाफ गुंडागर्दी बंद करो, जबरन वसूली बंद करो जैसे नारे भी लगाए। दुर्गेश पाठक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम भाजपा की गुंडागर्दी और जबरन वसूली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए यहां जमा हुए हैं। पार्टी ने आप मुख्यालय से करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि पुलिस ने रास्ते में अवरोधक लगा रखे थे। दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि दिल्ली भाजपा के नेता पूरे शहर में लोगों के पास जाकर उन्हें धमकी दे रहे हैं, अगर वे उन्हें पैसे नहीं देंगे तो उनकी संपत्तियों पर किए गए अनधिकृत निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। आपके वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि वे लोगों को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। वे उनके घरों पर जाकर मामूली कमियां निकाल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने तीनों नगर निकायों में अपनी बीते 15 साल के शासन के दौरान पहले तो अवैध निर्माण को अनुमति और बढ़ावा दिया और अब इसके नेता लोगों से ऐसे ढांचों को ना गिराने के बदले जबरन वसूली कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते हैं और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।